चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के पीछे तीन वायरों की चेकिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त है कि जो फ्रिज होती है उसकी जो वायरिंग होती है उसमें देखिए थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, ये तीनों पार्ट तो फ्रिज में आगे लगते हैं, जैसे एक दरवाजा खोलेंगे तो आगे मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कंप्रेसर मोटर, ओएलपी और ये रिले, ओएलपी और रिले, ये दो तीन पार्ट ऐसे हैं जो फ्रिज में पीछे लगते हैं। तो आगे से लेके यानी कि एवापोरेटर के करीब से लेकर के दरवाजा जो खोलते हैं, जो सबसे ज्यादा ठंडा करता है ना, कूलिंग कॉइल या फ्रीजर जिसके नाम से बोलते हैं, तो वहां से लेकर के और पीछे तक तीन तार निकल के टोटल केवल तीन ही तार जाते हैं और उन्हीं तीनों के साथ वायरिंग किया जाता है। तो वो तीनों तार कैसे हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा थर्मोस्टेट का इन है, कौन सा आउट है, कौन सा बल्ब का है, ये हमें तीनों कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंफर्म नहीं करते और बिना कंफर्म किए जोड़ते हैं तो भी हम आपको बताएंगे कि कितना बड़ा इसमें नुकसान हो सकता है। तो देखिए कंफर्म करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा, हम सीरीज से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट बताएं, इसकी वायरिंग जो थी हमारी, जो फ्रिज की कंप्लीट वायरिंग, तो वीडियो पढ़ चुकी है, आप देख चुके होंगे, जो वायरिंग है उसमें क्या हुआ था कि नॉर्मल न्यूट्रल, सबसे पहले देखिए अगर हम वायरिंग की तरह से इसको लिख दें तो न्यूट्रल ये पॉइंट था और न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में हम इन करवाते हैं और जिसमें इन करवाते हैं उसी से लेके आते हैं डोर स्विच को और डोर स्विच का जो अगला पॉइंट है वो आता है बल्ब को और बल्ब का जो अगला पॉइंट है उसमें हम जोड़ते थे फेस। तो यानी कि एक पॉइंट हो गया हमारा न्यूट्रल का और एक पॉइंट में हम जोड़ते थे फेस और जो थर्मोस्टेट का आउट वाला पॉइंट है ये हमारा जाता है ओएलपी के लिए, ओएलपी के लिए ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी जो हीटिंग को कंट्रोल करता है। तो देखिए ये हमारे तीन तार होते हैं जिसमें हमें एक में न्यूट्रल देना होता है, एक में फेस देना होता है और एक को ओएलपी से जोड़ना होता है। और ये तीनों तार होते कहां के, अगर ऐसे देखना चाहे तो देखिए एक होता है थर्मोस्टेट का इन, यानी डायरेक्ट जो एक तार सप्लाई जाती है थर्मोस्टेट का इन, और एक होता है थर्मोस्टेट का आउट, और एक होता है यहां पे देख पा रहे होंगे एक होता है बल्ब का। एक थर्मोस्टेट का इन है, एक थर्मोस्टेट का आउट है और एक है हमारे बल्ब का। ये तीन तार है, यही तीनों कंफर्म करना है। अगर आप किसी कारण बिना कंफर्म किए, देखिए हमें करना क्या होता है कि जो थर्मोस्टेट का इन है उसमें हमें न्यूट्रल जोड़ना होता है, जो आउट है उसमें हमें ये जोड़ना होता है ओएलपी, और जो बल्ब का है उसमें हमें फेस जोड़ना होता है। लेकिन अगर न्यूट्रल फेस, सोचिए कि अगर गलती से इधर जोड़ दिया जाए कि एक में थर्मोस्टेट के इन में न्यूट्रल जोड़ दिया आपने, आउट में फेस जोड़ दिया अगर गलती से, तो होगा क्या, इन और आउट दोनों, जो न्यूट्रल और फेस है दोनों थर्मोस्टेट में जुड़ा है और जैसे ही थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे दोनों पॉइंट टच होगा तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तुरंत पूरा वायर खराब हो जाएगा। तो इसे हमें चेक करना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसको चेक क्यों करना पड़ता है, अगर ये जो तीनों तार होते हैं ना, कलर भी अलग अलग नहीं होते हैं, कभी कभी क्या होता है ये तीनों तार अलग अलग कलर के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जाके देख के आ सकते हैं, दरवाजा खोलेंगे और आगे देखेंगे कि डोर स्विच से हरे वाला तार निकल के गया है या थर्मोस्टेट के इन में कौन सा जुड़ा है, आउट में कौन सा जुड़ा है, कलर के हिसाब से भी हम कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों तार किसी एक ही कलर से कर दिया जाए, सोचिए तीनों किसी एक कलर से कर दिया जाए या फिर तीनों तीन कलर से हैं, तो हम देख तो सकते हैं लेकिन खोलना पड़ेगा और बिना खोले भी हम आसानी से केवल पीछे से, आगे हमें कुछ भी नहीं करना होगा, हम पीछे तीनों तारों को देख करके ही कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा इन है, कौन सा आउट है और कौन सा बल्ब का है। तो यही हमें चेक करना आज के लिए हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले देखिए ये हमारा थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, यानी फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करती है तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कि हमारा ये कंप्रेसर मोटर बंद हो जाता है। कैसे बंद होता है अभी हम समझ में आएंगे आपको। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है डोर स्विच। डोर स्विच क्या होता है, ये देखिए फ्रिज का दरवाजा खोलते ही फ्रिज के अंदर का बल्ब जलने लगता है और जैसे ही दरवाजा को बंद करते हैं फिर से बल्ब बंद हो जाता है और ये है हमारा बल्ब। तो ये तीनों पार्ट है। अब देखिए इसके हम चेकिंग की बात करें तीनों वायरों की, तो सबसे पहले हमें चेक करने के लिए करना क्या होगा कि सर्वप्रथम थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे, यानी सबसे पहले जो हमारा ये थर्मोस्टेट स्विच है इसको हम ऑन कर देंगे, यानी चालू कर देंगे। जब देखिए जब थर्मोस्टेट की स्विच को ऑन कर देंगे ना, ये थर्मोस्टेट का दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सप्लाई आउट होने लगती है। तो सबसे पहले हमने थर्मोस्टेट को ऑन कर दिया और डोर स्विच को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले थर्मोस्टेट को ऑन कर दिया और डोर स्विच को बंद कर दिया। अब डोर स्विच हो गई बंद, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें करना यह होगा कि हमें सीरीज का बल्ब लेना होगा। सीरीज बल्ब जानते हैं ना, एक होल्डर बल्ब नॉर्मल ले लेना है, एक में न्यूट्रल एक में फेस जोड़ना है,
एक होल्डर बल्ब नॉर्मल लेके एक में न्यूट्रल और एक में फेज जोड़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यही वाला पॉइंट लेकर के एक तार को तोड़ देना, ये दो तार हमारे बन गए सीरीज के। ये देखिए सीरीज का तार हो गया। हमें करना क्या है कि सबसे पहले थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे, डोर स्विच को बंद करेंगे और सीरीज के दोनों तारों से फ्रिज के पीछे ये जो तीनों तार हैं तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तीनों को कैसे चेक करेंगे और देखेंगे कि देखिए जैसे कि हमने मान लीजिए सीरीज के एक तार को यहां पर रखा और दूसरे तार को यहां पर रखा। अब आप यहां से देख के बता सकते हैं कि इस अवस्था में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो देखिए इस अवस्था में बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि देखिए यहां से ये पॉइंट जाएगा थर्मोस्टेट में और थर्मोस्टेट तो ऑन है, सप्लाई इधर वाले पे तो आएगी लेकिन यहां से नीचे भी आएगी और डोर स्विच बंद होने के कारण ये जो सप्लाई है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं आ पाएगी, जिसके कारण यहां पे बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम इस तार को उठा करके इसके अगले वाले पॉइंट पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि इस अवस्था में भी सीरीज का बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, क्योंकि ये जो डोर स्विच है वो ऑफ है और ये जो बल्ब का तार रखा हुआ है ये डोर स्विच वाले पॉइंट पर ही रखा हुआ है। तो अब हम इसको यहां से उठा करके भी और इसके इन पॉइंट पे रख देंगे और इस अवस्था में देखेंगे कि सीरीज का बल्ब जलने लगेगा। क्यों जलेगा? आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां से एक पॉइंट जो है सप्लाई को गई है थर्मोस्टेट में और थर्मोस्टेट ऑन होने के कारण ये अगले पॉइंट पे सप्लाई को आउट करेगा और यहां से पॉइंट निकल के आएगा और बल्ब तक सप्लाई पहुंचेगी, जिसके कारण सीरीज का बल्ब जलेगा। तो हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले थर्मोस्टेट को ऑन कर देना है और डोर स्विच को यानी दरवाजे को बंद कर देना है और सीरीज के दोनों तारों से फ्रिज के पीछे तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे और इस अवस्था में किसी दो तारों पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। देख लीजिए यहां पे इन दोनों पॉइंटों पे बल्ब जल रहा है, तो इस अवस्था में किसी दो पॉइंटों पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए और जिन दो तारों पे सीरीज का बल्ब जलेगा उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार बल्ब का होगा। जिन दो तारों पर सीरीज का बल्ब जलेगा उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ जो तीसरा तार एक अकेला बचेगा वो बचा हुआ तार हमारा बल्ब का होगा। देखिए जब हमें एक तार कंफर्म हो गया ना कि हाँ ये वाला तार हमारा बल्ब का है, हम क्या करेंगे पहचान के लिए इसमें गट्ठी लगा लेते हैं। ऐसे पहचान के लिए इसमें हम गट्ठी लगा के छोड़ देते हैं, हमें कंफर्म हो गया कि हाँ एक तार हमारा बल्ब का है और बल्ब में क्या जोड़ा जाता है फेस, बल्ब में फेस जोड़ा जाता है। तो एक तार हमें कंफर्म हो गया। अब उसके बाद हमें करना क्या है, अब ये जो दो तार बचे, अगर हमें ये कंफर्म हो गया कि एक तार बल्ब का है तो ये जो दोनों बचे हुए इसमें एक थर्मोस्टेट का इन है और एक थर्मोस्टेट का आउट है। देखिए इन और आउट भी कंफर्म करना बहुत जरूरी है, अगर इसमें आप न्यूट्रल की जगह पे फेस उल्टा जोड़ दिए तो ये भी काम नहीं करेगा, तो इसको भी हमें चेक करना होगा। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब समझिए कि जो थर्मोस्टेट ऑन था ना इसे ऑफ कर देंगे यानी बंद कर देंगे और ये जो डोर स्विच ऑफ थी इसे ऑन कर देंगे, यानी कि जो बंद था उसे हम चालू कर देंगे और जो चालू था उसे हम बंद कर देंगे, यानी कि ये हमारा डोर स्विच हो गई ऑन यानी दरवाजे को खोल देंगे और थर्मोस्टेट को बंद कर देंगे। अब फिर से सीरीज का एक तार लेंगे। देखिए यही काम मल्टीमीटर से भी किया जा सकता है, अगर सेम हमारे पास मल्टीमीटर है ना तो मल्टीमीटर के दोनों तारों को ऐसे ही तीनों पे बारी बारी से चेक करेंगे, किसी दो पर कंटिन्यूटी बताएगा, जिन दोनों पे बताएगा उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा बल्ब का होगा। सेम कंडीशन यही है। अब देखिए अब हम यहां पे सीरीज के एक तार को बल्ब पे रखेंगे। हमने क्या किया, थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया यानी बंद कर दिया और दरवाजे को खोल दिया है और उसके बाद सीरीज के एक तार को बल्ब वाले पर रख लिए और दूसरे तार से दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। दूसरे तार से इन दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे और इस अवस्था में देखेंगे ना सीरीज का बल्ब किसी एक ही पर जलेगा। देखिए कहां पे जलेगा, ये जो पॉइंट है यहां से सप्लाई आउट होगी और ये जो बल्ब लगा हुआ है ना ये बल्ब से भी सप्लाई आउट होकर के जाएगी दूसरे पॉइंट पे और डोर स्विच लगा इससे भी आउट होकर जाएगी और यहां से ये थर्मोस्टेट ऑफ है, थर्मोस्टेट बंद होने के कारण लाइट अगले पॉइंट पे नहीं जा पाएगी इसलिए इस पॉइंट पे सप्लाई नहीं आएगी, लेकिन यहां पर थर्मोस्टेट के इन वाले पे सप्लाई आएगी और यहीं से लाइट निकल करके सीरीज पे जाएगा तो बल्ब जलने लगेगा। यानी कि थर्मोस्टेट को बंद कर देंगे और दरवाजे को खोल देंगे और सीरीज के एक तार को बल्ब वाले पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे तार से बचे हुए दोनों तारों पे बारी बारी से चेक करेंगे, इस अवस्था में किसी एक पॉइंट पे सीरीज का बल्ब जले और जिस पर जलेगा वो थर्मोस्टेट का इन होगा और जिस पर नहीं जलेगा वो थर्मोस्टेट का आउट होगा। देखिए यहां पर एक कंडीशन है,
कंडीशन ये है ना, ये जो सीरीज का बल्ब, ये जो फ्रिज के अंदर लगा हुआ बल्ब है और ये जो बाहर बल्ब है, ये दोनों देखिए बराबर वाट के होते नहीं है। तो जो हमारा बाहर सीरीज का बल्ब है ना, जब हम इस इन दोनों वायरों पर जब ये वाली चेकिंग करेंगे, उस अवस्था में फ्रिज में ऐसा होगा कि फ्रिज के अंदर का बल्ब जलेगा, सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिज के अंदर का बल्ब जलेगा और सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा, तो भी हम इससे कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यही वाला इन है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि देखिए ये जो सप्लाई आएगी ना, ये सीरीज बन करके बल्ब जलेगा, इसलिए फ्रिज के अंदर का भी बल्ब जलेगा, और अगर दोनों बराबर वाट के हैं तो बाहर का भी जलेगा, और अगर बाहर वाला ज्यादा वाट का है तो सिर्फ अंदर का जलेगा, बाहर का नहीं जलेगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए जिस पर जलेगा वो थर्मोस्टेट का इन हो गया, अब जो बचा वो आउट हो गया, तो एक आउट हो गया, एक इन हो गया और एक बल्ब का हो गया। तो बस नॉर्मली अब हम बल्ब वाला जब हमें कंफर्म हो गया ना, तो बल्ब वाले में फेस जोड़ते हैं और ये जो हमारा इन वाला है उसमें न्यूट्रल जोड़ते हैं और जो आउट वाला है उसमें फेस जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से फ्रिज के पीछे तीन वायरों की चेकिंग नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव बाकी रह गया हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।